आपका स्वागत है हिमराट फार्म हाउस में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे हम विजिट कर रहे थे तो भयंकर ओला ऐसा लग रहा है ऐसा इस बर्फबारी में क्या बोलना चाहोगे आप? जन्नत। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों शाम के 2:30 बजे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के 2:30 बजे से हो रही है। अभी मैं जा रहा हूं अपने फार्म हाउस में, मेरे साथ हैं कुछ विशेष मेहमान जो कि हमारे फार्म हाउस को देखने के लिए पहली बार आए हुए हैं। मैं उनको अपने साथ लेकर के अपने फार्म हाउस में जा रहा हूं। उम्मीद है कि कुछ देर बाद स्नोफॉल होगी और अगर स्नोफॉल होती है तो बहुत ही शानदार अनुभव हमारे उन मेहमानों के लिए होगा। आज तो सुबह से बारिश का मौसम बना हुआ है। सुबह 4 बजे से हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। आज 4 फरवरी का दिन है और मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऊंचाई है, तो 2200 मीटर से ऊपर बर्फबारी के संकेत मौसम विभाग के अनुसार बताए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा धुंध लगी हुई है आसमान पे और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और बूंदाबांदी के बीच हम लोग अपने फार्म हाउस की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हैं आज हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट रविंद्र भाई साहब और उनके साथ आए हुए हैं सुनील कुंडलिया जी, उनके मित्र हैं वो। और ये हैं हमारे भाई साहब, हमारे बड़े भाई और जेठू जी और हमारे किसान मित्र भी हम इनको कह सकते हैं। आज पहली बार आए हुए हैं भाई साहब, कैसा लग रहा है फिर? हाँ जी, नमस्कार सभी को। हाँ जी, और हम लोग आज इनके गांव में आ रखे हैं, भैंसोड़ा है ना, भैंसोड़ा गांव है ना। जी जी। और अभी तो और बहुत हाइट पे और अभी तो नजारा है क्या नजारा ही, अभी तो चढ़ाई शुरू हुई है और गर्मी हो रही मेरे को तो भाई। ठीक है भाई, लोग लगातार हमारे साथ चढ़ाई नाप रहे हैं। भाई लोग तो थके तो नहीं आप? अच्छा, अरे मतलब कितने किलोमीटर आगे होंगे हमारे लगभग? तो आपके हिसाब से किलोमीटर या लगभग? अच्छा अच्छा, आधा है तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही आ जाऊंगा। अतिथियों का हमारा स्वागत हमारे फार्म हाउस में। पहली दफा आए हुए हैं हमारे गेस्ट लोग, आपका स्वागत है हिमराट फार्म हाउस में। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारी बर्फ भी धीरे धीरे आज की बारिश से पिघल रही है। दोस्तों शाम के 4 बज गए हैं और भाई लोग अभी हमारी नर्सरी में विजिट कर रहे हैं। मैं उन्हें छोटी छोटी चीजें दिखा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे पिछले 6 सालों से यहाँ पे लगाए हैं। थुनेर का पौधा, ये कैंसर में काम आता है ना, कैंसर की दवाएं बनती से ये। ठीक है, पहले इस पे यहाँ पे बड़ा पौधा था दादा के जमाने में, तो वो क्या हो गया कि मतलब कि सड़ करके गिर गया था। थुनेर इसकी कैंसर की दवाई बनती है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, ये पहले यहाँ पे बड़ा पेड़ था थुनेर का, ये फर नहीं होता रास जिसके लिए पेड़ होते देवदार, वो जो बरसात के ऊपर देखे होंगे आपने, उसके पेड़ है ना। यहाँ पे ये है तेज पत्ता, यहाँ पे ये तेज पत्ते का पौधा है। ये है चिनार का जो कश्मीर में होता है। ठीक है भाई साहब, इसकी वो बनती है लकड़ियाँ बनती है बहुत भयंकर। हाँ, अभी यहाँ पे मतलब कि पतझड़ा रखा है, ये अतीस है। अतीस मतलब बहुत महंगी एक दिव्य औषधि है अतीस ना। और यहाँ पे ये कोट की नर्सरी है और यहाँ पे अभी मैं चिरायता डालूंगा। ठीक है, हाँ। और आगे यहाँ पे यहाँ पर ट्रायल किया था मैंने, यहाँ पे रोजमेरी लगाई थी साल बरसात में। ये देखो कितनी बढ़िया हो रही थी ये रोजमेरी, ये पहला ट्रायल था मेरा यहाँ पे रोजमेरी का। तो रोजमेरी भी बढ़िया हो रही है, और जिसको मैं बोल रहा था यहाँ पे ये दो पौधे सब यूनिवर्सिटी का ट्रायल था, ये सफल रहे दो पौधे, तो उसी आधार पर हमने ऊपर चिराया था कि नर्सरी डाल दिया। ये बहुत भयंकर औषधि है, इसका भी सफल ट्रायल रहा। तो दोस्तों जैसे हम विजिट कर रहे थे तो भयंकर ओलावारी हो गई है, बहुत खतरनाक वाली बाप रे। भाई लोगों के बहुत बुरे हाल हो गए हैं ओलावारी में, वो फुल मचा दे रहे हैं अभी। भयंकर वाली ओलावृष्टि यहाँ पे हो रही है और ओलावृष्टि में हमारे
अतिथि फुल मजा ले रहे हैं। और ओलावृष्टि के बाद भारी गर्जना के साथ साथ यहाँ पे बर्फबारी भी शुरू हो गई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, ऐसे मोमेंट, ऐसे दिन कई सालों में एक बार आते हैं। कैसा लग रहा है? ये बर्फ का दिशा है, दिशा से अभी गिरेगी बर्फ। इस बर्फबारी में क्या बोलना चाहोगे आप? जन्नत, जन्नत, जन्नत। और आप आए इसीलिए थे, मौका देख रहे थे, गालियां दे रहे थे रविंद्र भाई को, मेरे को 2 किलोमीटर बोल के 20 किलोमीटर ले आया। पर ये बर्फबारी जो हो रही है हमें ठीक कर दिया। तो दोस्तों भाई लोग भी काफी खुश हो गए हैं जिस चीज के लिए वो आए हुए थे यहाँ पे। और अभी तो शुरुआत है, अभी हम यहाँ शाम को 6 बजे तक हैं। फुल एंजॉय है। तो दोस्तों भाई लोगों को मैंने नीचे नर्सरी भी विजिट करवा दी है और उन्हें यहाँ पे जो क्लाइमेट है बहुत बढ़िया लगी। और इतफाक से आज वैसे भी सुबह से बर्फबारी का मौसम बना हुआ था और बहुत ही सुंदर यहाँ पे अच्छी ओलावृष्टि हुई। और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही देर बाद यहाँ पे बर्फबारी होगी। तो काफ़ी यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो गया है शाम के टाइम पे और भाई लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अब फार्म हाउस से घर की तरफ रवानगी, चारों तरफ काफ़ी सारा यहाँ पे, अब हमको भी तो दिखाओ, बर्फबारी हुई है। और भाई जी, भाई साहब जबरदस्त मस्त रहा ना? ठीक रहा ना भाई साहब? आराम से चलो। दोस्तों शाम के 6 बजने वाले हैं और अब हम अपने फार्म हाउस से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज पूरे दिन भर बारिश रही, काफ़ी ठंडा मौसम रहा और हमारे मित्र लोग भी नया होल्डर नीचे हमारे घर में करेंगे, हमारे गेस्ट लोग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सके। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।